आदरणीय भगवान, बात है 6 सितंबर की। दिग्गज ब्रोकरेज गोल्डमन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई थी जिसमें आइडिया के बारे में कहा गया था कि इसका बंटाधार होने वाला है। 2-3 रुपए का टारगेट दिया था गोल्डमन सैक्स ने आइडिया के लिए। परिणाम स्वरूप आइडिया का शेयर एक दिन में 11% टूटा था। लेकिन श्रीमान, उसी गिरावट के दौरान कुमार मंगलम बिड़ला साहब ने लगभग 2 करोड़ आइडिया के शेयर्स खरीद लिए और उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी पिलानी इन्वेस्टमेंट ने भी 30 लाख शेयर आइडिया के उठाए हैं। हालांकि ये जो हिस्सेदारी खरीदी गई है वो बहुत बड़ी नहीं है। इससे बिरला ग्रुप का जो स्टेक है आइडिया में वो भी ज्यादा परिवर्तित नहीं होगा। किंतु मान्यवर, चूंकि बिरला ग्रुप के सर्वेसर्वा कुमार मंगलम बिड़ला साहब ने ये खरीदारी करी है, इससे जो मैसेज जाता है वो बहुत मजबूत है। कम से कम एक बात पक्की हो जाती है कि बिड़ला साहब को लगता है कि आइडिया 2-3 रुपए का नहीं होगा। ये जो खरीदारी आई है उससे 12-13 के लेवल पर आइडिया का मजबूत सपोर्ट बन जाता है। और मेरा अपने क्लाइंट से पहले ही निवेदन रहा है कि यदि आइडिया नीचे गिरकर 10 रुपए के आसपास, 10 के नीचे अगर कहीं मिल जाता है तो वो बहुत सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि 10-11 रुपए में तो आइडिया में सरकार ने हिस्सेदारी खरीदी है, वो लेवल तो नहीं टूटने वाला। दूसरा, आइडिया को बैंकों से 25,000 करोड़ रुपए उगाने हैं, कर्जा है, मेजोरिटी पार्ट SBI से आएगा, थोड़ा बहुत PFC एवं REC से भी जुगाड़ आ जा रहा है। मतलब आप देख लीजिए, सरकारी क्षेत्र की फाइनेंसिंग कंपनियां आइडिया को कर्जा दे रही हैं। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार आइडिया को डूब जाने दे और खड़ी खड़ी तमाशा देखती रहे। इसलिए आइडिया बड़ा जहाज है, अकेला नहीं डूबेगा। बस उछाल के बाद नहीं खरीदना है, गिरावट के बाद, नीचे जब महालक्ष्मी जी आदेश देंगी, निश्चित रूप से मैं आइडिया अपने क्लाइंट्स की सेवा में रिकमेंड करता रहूंगा। यदि आपको भी मेरी रिकमेंडेशन चाहिए तो देरी किस बात की, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा श्रीमान।